अपोजिशन वजीर आजम का पोए पंजाब के वे वजीर के सूढ़ो करण लाए संदरा वे वरता हैं। पंजाब असेंबली सेक्रेटरियट ने उस्मान बोस्तार खिलाफ वितवादी रिथ जमा कराए छी है। अपोजिशन असेंबली जो इजलास सदर लाए रिक्यूसेशन भी जमा कराए छी। रिथ में उस्मान बोस्तार की कारकर्दगी तनकीद कदे है तो पंजाब में मामला आइन के नथा हलया वन। उस्मान बोस्तार चौरी रिवायतन के खत्म कर चुको है। रिथ ते नवाज लीग के 122 ए पीपल्स पार्टी के 6 मेंबर्स जो सही थल स्पीकर 14 डी में रिथ पेश कर इजलास घुरा जो पाबंद है। बेतमादी बाद वो वजीर असेंबली टोड़े नो सके। पंजाब असेंबली में पीटीआई जहा 183 ए नून लीग जहा 165 मेंबर्स हैं। काफ लीग जहा 10 जिले तो पीपल्स पार्टी वट 7 मेंबर हैं। पंजाब असेंबली में 5 आजाद मेंबर हैं। एक मेंबर जो ताल्लुक राय हक पार्टी से है। आइन मौसिफ अपोजिशन तरफा बेतमादी की रिथ जमा कराने का पोए हाँ स्पीकर 14 डी में असेंबली जो इजलास घुराने जो पाबंद है। अपोजिशन ने हुकूमत के पैंजा नंबर पूरा करना है। मीडिया से गाल बोल कंदे राणा मशहूर छाछो अछो तमा के दिखारियो ये आज सुबह हमने जो है साइन तो सबके हैं जिस तरह मैंने बताया, लेकिन ये मेंबरान जो सामने खड़े हैं आपके, इन सब ने मिलके ये रेजोल्यूशन भी और ये रिक्वायरमेंट भी और मोशन भी। मैं फिर बता दूं कि 125 से ऊपर हमारे मेंबरान हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के, जिन्होंने मिलकर ये मोशन जमा कराई है और असेंबली की रिक्वायरमेंट के लिए इजलास की, वो भी 115 से ऊपर मेंबर्स हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जिन्होंने दिए। और स्पीकर साहब आइन के मुताबिक 14 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद हैं। ये इजलास इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में बसात ऊपर भी वफाक में भी पंजाब में भी, और इसके बाद इन लोगों में इन लोगों के खिलाफ जिस तरह पार्टी ने फैसला किया है, स्पीकर नेशनल असेंबली चाहे और चाहे चेयरमैन सेनेट, इन तमाम के खिलाफ भी जो है नो कॉन्फिडेंस आएगी। और मैं ये सिर्फ आपको फिर बावर कराना चाहता हूं कि ये जो तारीखी महंगाई तारीखी करप्शन के खिलाफ ये तमाम पार्टीज का फैसला है, हम पंजाब की आवाम के साथ खड़े हैं, हम पंजाब के आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। और उन जज्बात की तर्जुमानी करते हुए आपने देख लिया कि लॉन्ग मार्च का काफिला जिस तरह उसकी पजीराई हो रही है, और आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तेमा इस करप्ट और जालिम हुकूमत के खिलाफ होगा। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला नो कॉन्फिडेंस है जिसमें हमें अवामी ताईद हासिल है। आप देखें चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क्यादत में एक लॉन्ग मार्च कराची से शुरू हुआ मजारे कायद से और इस्लामाबाद तक आया, जो 8-10 दिन तक रास्ते में लोग रुके भी सफर भी करते रहे और बिलाखिर अपनी मंजिल पर पहुंचे। तो मैं ये समझता हूं कि ये वाहिद नो कॉन्फिडेंस है जो अवामी ताईद के साथ ऑपोजिशन लाई है, और इंशाअल्लाह ताला ये भरपूर तरीके से कामयाब भी होगा और एक तारीखी शिकस्त इस फाशिस्ट हुकूमत को, इस फाशिस्ट वजीर आजम को होगी, इस वजीर आला को होगी। इन्होंने मुआशी तौर पर तो इस मुल्क को दिवालिया किया ही है, इन्होंने लोगों को महंगाई की चक्की में तो पीसा ही है, इन्होंने इखलाकी तौर पर भी हमारी इकदार को इतना नुकसान पहुंचाया है कि ये माफी के काबिल नहीं है। अगर आप कल की जबान सुने जो जलसे के अंदर वजीर आजम बोल रहे थे, उससे ऐसे लगता था कि ये किसी कौमे यूथ का पिटा हुआ मोरा तो हो सकता है, ये इस मुल्क का वजीर आजम नहीं हो सकता।